रूंदी रेलवे स्टेशन के बीच में शुगर मिल के पीछे हरिद्वार से अस्थि विसर्जन करके घर वापस लौट रहे एक 48 वर्षीय व्यक्ति की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने मामले में 174 की कार्रवाई की है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर धनीराम ने बताया कि उन्हें शनिवार की सुबह करीब 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि पलवल रूंदी रेलवे स्टेशन के बीच में शुगर मिल के पीछे चलती ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के सिविल अस्पताल भिजवाया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान उसके पास से मिले आधार कार्ड से बड़ौदा जिला सिओरी मध्य प्रदेश निवासी 48 वर्षीय मलखान के रूप में हुई है। मृतक मलखान 23 जनवरी को अपने साले की पुत्र वधु की अस्थियों का हरिद्वार में विसर्जन करके साले के पुत्र मुरारी के साथ ट्रेन में सवार वापस अपने घर जा रहा था। मुरारी ट्रेन के जनरल डिब्बे में अंदर बैठा हुआ था तथा मलखान डिब्बे के दरवाजे के साथ बैठा हुआ था। ट्रेन के डिब्बे में भीड़ ज्यादा थी। जैसे ही ट्रेन पलवल रूंदी रेलवे स्टेशन के बीच में पहुंची तभी अचानक मलखान चलती ट्रेन से नीचे गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 174 की कार्रवाई कर रविवार की दोपहर को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है। बड़ौदा का रहने वाला है, गांव बड़ौदा का, मलखान सिंह उसका नाम है। मलखान सुमन सनो भंवरलाल सुमन, बड़ौदा सीओपुर जिले के रहने वाला है वो। और होने के बाद में, फिर शिनाख्त होने के बाद में उसके परिजन यहाँ आ गए हैं। और बल्कि वे बता रहे थे कि उनके साथ एक जो उनके साले का एक लड़का आया उसकी घरवाली की मौत हो गई थी। तो 23 तारीख को उसकी अस्थियां ले जाने के लिए गंगा जी गए थे वहाँ पे हरिद्वार। और हरिद्वार से दोनों जो उसका फूफा जी और वो जो मुरारी लाल था उसका नाम, जिसकी घरवाली की डेथ हुई थी, वो दोनों ही उसकी अस्थियां गंगा जी में बहा के और हरिद्वार से और वापस अपना सवाई माधोपुर जा रहे थे, जो उनका स्टेशन लगता है सवाई माधोपुर। ट्रेन से नई दिल्ली से वो बैठे सवाई माधोपुर के लिए, तो जनरल डब्बे में वो बता रहा था मुरारी जो है कि जनरल डब्बे में भीड़ थी, वो दरवाजे के साथ खड़े हो गए। उनको फूफा जो जिनकी डेथ हुई है गिरने के बाद, ये अपना मलखान, और वो अंदर डब्बे में थे। बोला जी नींद लग गई थी मेरे को, अंदर उसमें जगह मिली, वो थकावट हो रही थी, वो सो गया। उन्होंने बताया जी वो उसकी जो सारी बातें हैं, जो उसकी जो मुरारी की जो पत्नी थी, तो उसकी अस्थियाँ बहा के वो जब आ रहे थे तो ऐसे वो चलती हुई ट्रेन में से वो अंदर बैठा था, वो खिड़की के साथ जैसे खड़ा था भीड़ में, वहाँ से गिर के उसकी डेथ हो गई वहाँ से। तो अब पोस्टमार्टम करा के बॉडी उनके हवाले जी 174।